अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इफ्तारी में मैं बनाने जा रही हूँ ये सेवियाँ का मीठा, जो कि दम के सेवियाँ बोलते हैं बैंगलोर में। इसके लिए मैंने ऐड की हूँ थोड़ा सा घी, और जो बारीक सेवियाँ रहते हैं उसको यूज़ करना है हमें। ये देखें, ये जो सेवियाँ के बारीक सेवियाँ रहते हैं उसको यूज़ कर लेना है। मैंने इतने लिए हूँ, इसमें मैं अभी ऐड कर ले रहा हूँ। तो इसको लो फ्लेम पर धीमी आंच में थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना। पहले से ही ये सेवियों को थोड़ा सा तोड़ लेना पड़ता एंड देन इसको ऐड करना, वरना तो लंबे लंबे जो सेवियाँ रहते हैं वैसे चले जाते हैं वो। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इसको फिर बाद में हम लोग ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे, वो बाद में तले के डाल लेना है। अभी इसको 2 मिनट तक मिक्स कर लें। ये हमारी नानी बनाते थे सेवियाँ ऐसे, एंड ये बहुत अच्छे रहते हैं। नॉर्मली शीरखुरमे को ये जो सेवियाँ यूज़ करते हैं, दम सेवियाँ को भी ये यूज़ करते हैं। हम गोल्डन ब्राउन हो गए हमारे सेवियाँ, ओके। अभी घी में अच्छे से तले हमें सेवियाँ। अब इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ, ज़रा पानी डालना, एक्चुअली पानी में पकाते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दूध डालना उसके बाद पानी डालना। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करना, थोड़ा सा ही। अभी देखे ना, जितना कप मैं यूज़ कर रही हूँ उतना बस, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में पका लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ये टाइम पे। अब थोड़ा सा पानी ऐड कर लेता हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालना। बस हमारे सेवियाँ ज़्यादा नहीं गलना, थोड़ा सा ही ये कर ले तो जल्दी गल जाते हैं सेवियाँ। अब इसको लो फ्लेम पर रखो, दम के लिए छोड़ दे तुम्हें। पानी का कंसिस्टेंसी देख लेना कि इतने में गलती सेवियाँ कि नहीं बोल को, एंड देन आई थिंक थोड़ा और पानी मिक्स कर दूँ मैं, थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। अब बस अभी थोड़ी देर दम को छोड़ लेती हूँ। इसको ढको, 5 मिनट तक पका लेना। अभी तब तक हमें ड्राई फ्रूट्स चॉप कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स चॉप करने एक मेरे पास गैजेट है जो कि बहुत अच्छा है। ये मीशो से मंगाई थी मैं, काफ़ी अच्छा है। बहुत इजी हो जाता है चॉपिंग करना ड्राई फ्रूट्स, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है, नॉर्मली बहुत टाइम भी लग जाता है। इसके अंदर जस्ट आपको जो ड्राई फ्रूट चाहिए इसके अंदर डालना है। इसके बाद इसका ऊपर का जो ढक्कन होता है ऐसे करके राउंड 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 रोटेट करना है, तो कितना अच्छा चॉपिंग हो रहा है। मिट्टों के लिए काफ़ी अच्छा है ये, एंड मुझे ये दम के सेवे में डालने ऐसा अच्छा होना था। अभी हमारे ड्राई फ्रूट्स चॉप हो गई अच्छे से, ये देखो कितना अच्छा आया।
तो अब मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ये अराउंड 3 to 4 मिनट्स तक मैं दम को छोड़ी थी, गैस ऑफ कर ली थी मैं, अभी ऑन कर रहा हूँ। थोड़ा ड्राई फ्रूट्स चॉप कर ली थी ना, अभी इसमें ऐड कर लेता हूँ मैं। उससे पहले शक्कर डालना है, शक्कर मैं 1 कप ली हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना एंड इसका पानी जो छूटता शक्कर का उसी में दम हो जाते हैं सेवियाँ। तो इस टाइम पर अभी दम को छोड़ने के पहले ये जो ड्राई फ्रूट चॉप कर लेते थे ये काफ़ी बारीक था तो मैं तलने नहीं गई, ऐसे ही ये ऐड कर दिए। सिर्फ बादाम एक इंच ऐड करी। अभी नेक्स्ट और भी थोड़े ड्राई फ्रूट्स डालना बाकी है। ये सिर्फ 3 या 4 मिनट बता दम को छोड़ना, नहीं तो दाग लग जाता। अभी मैं ड्राई फ्रूट जो और भी हैं उसको मैं अलग घी में तल लेता हूँ। अभी इसके लिए मैं घी ले रहा हूँ 2 टीस्पून। इसमें मैं डालता हूँ वाटरमेलन सीड्स, उसके बाद मुनक्के। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। वाटरमेलन सीड्स जो घी में आप डालते हैं बहुत क्रैक होती है एंड उड़ उड़ को आपके हाथों पर लगने के चांसेस रहते हैं। तो मैं गैस ऑफ करके मैं वो डालती हूँ। हमारे सेवियाँ दम हो गए तो इफ्तारी का वक्त हो गया था, मैं जल्दी 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 काम कर ले रही थी। अभी जल्दी से फ्रूट्स भी काट ले रहा हूँ पपाया। तो सेवियाँ का जो फाइनल आउटकम है मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ। नाउ फ्रूट कटिंग इज डन। तो चलिए आपको सेवियाँ दिखा देता हूँ। ये देखें अभी इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना बाकी है, बस जो मैं दम को छोड़ी थी बस उसी का आउटकम है। ये देखें कितना अच्छा है एंड बहुत अच्छा बना था। अभी इसको ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर रहा हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं सेवियाँ, तो ज़रूर से ट्राई करके देखो। तो इफ्तारी का वक्त हो गया, अभी टेबल पर मैं सारा कुछ जोड़ ले रहा हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग बस इतना ही। आश ये है आश, बैंगलोर की बहुत अच्छी रहती। नॉर्मली बैंगलोर वालों को सारों को ये आश बहुत पसंद। तो आज का वीडियो बस यही ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़। रमज़ान मुबारक सभी को, आज 14th रोज़ा है।